केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर चोरी। मुंबई में चोरी, दिल्ली में गिरफ्तारी। चोर के पास से अहम दस्तावेज बरामद। गोपनीय जानकारी लीक करने का शक। 50-50 लाख चोरी की ये वारदात सनसनीखेज है, क्योंकि इसके शिकार हुए मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री पीयूष गोयल, जिनके पास रेलवे के अलावा वाणिज्य, उद्योग और कोयला जैसे अहम मंत्रालय हैं। बताया जाता है कि पीयूष गोयल के मुंबई के नेपियन सी रोड स्थित घर में उन्हीं के यहां काम करने वाले 28 साल के विष्णु कुमार विश्वकर्मा ने पिछले महीने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। 19 सितंबर को मुंबई के गोम देवी थाने में मामला दर्ज किया गया था। FIR के बाद पुलिस सरगर्मी के साथ विश्वकर्मा की तलाश कर रही थी। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। 28 साल के आरोपी के मोबाइल फोन से रेलवे और वाणिज्य मंत्रालय के दस्तावेज मिले हैं, जिसे उसने 3 ईमेल आईडी पर भेजे थे। सूत्रों के मुताबिक मंत्री पीयूष गोयल और पुलिस को शक है कि आरोपी कुछ लोगों को अहम दस्तावेज लीक कर रहा था। पुलिस अब जांच में जुटी है कि इन दस्तावेजों को लीक कर वो किसे फायदा पहुंचा रहा था। क्या जो दस्तावेज फोन से मिले हैं सिर्फ वही लीक हुए हैं, या फिर आरोपी लंबे समय से ऐसे लीकेज को अंजाम दे रहा था। आरोपी के फोन को जांच के लिए साइबर सेल में भेज दिया गया है। हालांकि शुरुआत में चोरी की जो रपट लिखवाई गई थी उसमें चांदी और कांसे के कीमती सामान के चोरी हो जाने की बात कही गई थी। बताया जाता है कि विश्वकर्मा पिछले 3 साल से गोयल परिवार के साथ काम कर रहा था।